अंबेडकर जी के बारे में भाई दल बहादुर जी ने कितना बढ़िया जो है जानकारी दी, और सबको करीब करीब थोड़ा बहुत नॉलेज भी है ना। लेकिन अब वो समय आ गया है क्या कि केवल कहने से बात नहीं बनेगी। कहते हैं लोकतंत्र, जब तक हम जाति वर्ग में बटे रहेंगे तब तक लोकतंत्र का लाभ कहाँ मिलेगा हमें। लोकतंत्र का लाभ तभी मिलेगा जब हम इससे ऊपर उठ करके और एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे, है ना। तो आओ पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सही रहेगा भाई, सब लोग मिलकर करेंगे। राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान। परहित का पीयूष पिला दो, परहित का सेवा का सन्मार्ग सुझा दो, सेवा का सन्मार्ग सुझा दो, कर दयालुता दान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान। सम्मान दिला दो, नारी का छुआछूत का दोष मिटा दो, छुआछूत का दोष मिटा दो, छुआछूत का दोष मिटा दो, छुआछूत का हो सब लोग समान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान। ज्ञान उजाला घर घर कर दो, ज्ञान उजाला घर घर कर दो, ज्ञान उजाला घर घर कर दो, राष्ट्रभक्त की ज्योति जगा दो, राष्ट्रभक्त की ज्योति जगा दो, फूट फूट हृदयों में भर दो, फूट फूट हृदयों में भर दो, स्वाभिमान सम्मान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान। कर्मवीर बनना बतला दो, कर्मवीर बनना बतला दो, भेदभाव का भूत भगा दो, भेदभाव का भूत भगा, बलहीनों में बल संचारो, बलहीनों में बल संचारो, निर्भय करो निदान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान, राष्ट्र को जीवन दो भगवान। सारे बच्चों पढ़ा इस समय, बढ़िया सड़कें, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन की व्यवस्था, बढ़िया दूर संचार, क्या क्या नहीं दे दिया, सब कुछ दे डाला, बहुत कुछ दे डाला, धरती को स्वर्ग बना दिया। लेकिन स्वर्ग में रह कौन रहा है, कौन रहा है, स्वर्ग में कौन रह रहा है? लंका तो हो गई सोने की, लेकिन लंका में रह कौन रहा है? हम तो नहीं कहेंगे भाई, अब आप लोग कह रहे हो तो इसको समझना है, आज से इसको आज से समझना है। क्या करना हम लोगों को, आओ एक नई नई दुनिया का निर्माण करने जा रहे हैं, होना शुरू हो गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार से तो तमाम ढेर सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन
अखिलेश गायत्री परिवार जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, मनुष्य के अंदर का देवता जगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज की स्थापना। और आज हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ ये आयोजन कर रहे हैं, तमाम ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आज अम्बेडकर जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, लेकिन प्यारे बच्चों आपका जो मनाने का तौर तरीका है वो अलग ढंग का है, ये विशेष कहीं ना कहीं आप लोग विशेष बच्चे हो। कौन हो भाई? हम तो ये कहते हैं अपनी भाषा में आप सब देवता हो, देवी और देवता हो। कौन हो भाई? अनजाने में हम कहीं ना कहीं लेवता बने बैठे हैं, लेवता यानी अनजान, अनगढ़, ना समझ, अज्ञानी, सही है। पढ़ लिख तो हम कहते हैं शिक्षा समझो तभी सफल, जो कर दे आचार विमल, ऊंची विद्या ऊंचे बोल, सदाचार बिन माटी मोल, धन बल जन बल बुद्धि अपार, सदाचार बिन सब बेकार। ठीक है, तो आओ हम रोबोट ना बने, रोबोट ही रोबोट रहने दें, हम तो देवता हैं, हम तो भगवान के राजकुमार हैं और सृष्टि के मुकुट मणि हैं हम। कौन हैं भाई? सृष्टि के मुकुट मणि। और उनमें भी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने एक बात और लिखा, क्या लिखा कि बेटी तो संसार की सारी रचना से भगवान ने की, लेकिन सर्वोत्कृष्ट कलाकृति नारी। क्या लिख दिया भाई? सर्वोत्कलाकृति नारी, सबसे सुंदर रचना नारी की, ममता नारी की, संवेदना नारी की, गहराई नारी का सम्मान नारी के अंदर, कितनी बड़ी जो है सद्गुणों की पिटारी भरी होती है, लेकिन बेटी कहाँ पहुँच रही है? बेटियाँ उस श्रृंखलता मेन में आ रही है, और अगर बेटी लुढ़क गई तो घर परिवार समाज लुढ़कते देर नहीं लगे। आज ये कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है, इसलिए बेटियों से ज़्यादा अपील है, क्योंकि बेटियाँ कौन हैं भाई? सबसे सुंदर कलाकृति किसकी? ईश्वर की। तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, रहन सहन, बोली भाषा, तौर तरीका, चिंतन। बेटी अब तो चाहती है शादी हमारी वहाँ हो जहाँ सास पहले मर गई हो। क्या हो गया है, क्या हो गया है? अरे बेटी, ये बेटियाँ अच्छी हैं हमारी, तभी तो ये युगमान का संदेश तुम्हारे हिस्से में आ गया, लेकिन ज़्यादातर कहीं ऐसा है। और यही नहीं, बेटी जहाँ शादी हमारी हो कुछ काम ना करना पड़े, मुंह में भी डालने वाला कोई हमारे हो, खाना खिलाने वाला भी कोई हो, जो बेटी अपने श्रम से पुरुषार्थ से पूरे घर को स्वर्ग बनाया करती थी, वो बेटी कितनी बड़ी है। आपके उम्र के लोग आपके क्षेत्र में उनमें सब में आप विशेष, पहली बात तो यहाँ से मान्यता अपनी मजबूत करें, क्योंकि युग्मान का संदेश पूरी दुनिया में पहुँच रहा है और पूरी दुनिया जगने की तैयारी भी कर रही है, लेकिन भारत से ज़्यादा आशाएं हैं। क्यों? भारत कौन? भारत को, भारत के प्रति आस्था इतनी क्यों? भारत की संस्कृति इतनी महान है, भारत का जो कल्चर, इंडियन कल्चर जैसे कहते हैं, भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि पूरी दुनिया को अयम निजा परो वेद गण नाम लघु से सामुदाय चरिता नाम तो बध कुटुंबकम, भाईचारे का पाठ, अपनत्व का पाठ, प्रेम का पाठ, उसके विकास का पाठ और सहकारिता, है ना, सारे जितने भी गुण हैं हमारे ईश्वरीय गुण, सारे मनुष्य जितने भारत के रहने वाले ही के पास ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के नागरिक ही देवी और देवता कहलाते थे और फिर तैयारी कर बैठे हैं। क्यों? ईश्वर की इच्छा है ऐसी, अब तो युग बदलेगा, छोड़ अनित अनय मानो सतपथ की ओर चलेगा। कुछ बच्चे उधर नहीं सुन रहे हैं? कुछ बेटा बेटा सुनिए भाई, आप समझिए मेरी निगाह, मैं जो है संदेश वाहक हूँ और एक परंपरा बड़ी पुरानी रही है, लोक मंच से युग शिक्षण, युग की समस्याओं और युग की जो उपलब्धियां हैं दोनों को आपके सामने रखा जाए। उपलब्धि क्या हो सकती है और समस्या क्या है? समस्याएं आप लोग बता सकते हो, कौन कौन समस्या है आज आपके पास? समस्या ही समस्या भरी पड़ी है, सही है?
चारों तरफ कुरीतियाँ और व्यसन, व्यसन नौयुवक हमारे इसमें से हो सकता है, ये सब ना करते हों, कहो कोई करते भी हों, पुड़िया पुकार शराब तंबाकू खैन आज छू गया हो ना छू गया हो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन समाज में क्या स्थिति बनी हुई है, केवल 2 करोड़ की सिगरेट बिकती है सलोन में, एक थोक व्यवसायी से मेरी बातचीत हुई, 2 करोड़ की महीने में, 1 महीने में 2 करोड़ की केवल सिगरेट बिकती है, सोचिए आप क्या स्थिति हमारी हो गई है। आओ तो हम क्या करें, हम बदलेंगे, अभी आपने एक बताया सर जी ने, अजय जी ने आपके क्या बताया, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। प्यारे बच्चों शुरुआत अपने से होती है, हम स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज की स्थापना के लिए आगे आएं। ये समाज हमारा हमारा ही परिवार है, कौन है क्या है भाई, हम अनजाने में कहीं ना कहीं बटे हुए हैं और एक दूसरे को प्यार सम्मान स्नेह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब ये नए बच्चे हमारे युग निर्माण करेंगे, क्या करेंगे युग निर्माण करेंगे, क्या करेंगे युग निर्माण, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे, किससे, अपने क्रियाकलापों से, स्वर्ग धरती पर आना चाह रहा है, आपके दरवाजे पर स्वर्ग खड़ा है, क्या आप दरवाजा खोलेंगे अपना, कौन सा दरवाजा, मन का द्वार, अंतरात्मा का द्वार, आपका मन अब तक केवल केवल गिरी हुई चीज़ों में रस लेता है, कहाँ लेता है, गंदी चीज़ों में घुस लेता है, लेकिन जब मन सध जाए तो मन अपना प्रत्यक्ष देवता कौन है, क्या है भाई, जिसका मन सध गया, भगवान बुद्ध का नाम सुना है, अभी अभी अम्बेडकर जी का नाम आपने सुना, अम्बेडकर जी ने इतनी बड़ी PhD इतनी बड़ी डिग्री कैसे ले ली, इन्होंने मन पर कंट्रोल कर लिया था, क्या किया था, जो पढ़ते आज मैं वो विधा बताऊंगा बच्चों को, आज मैं वो विधा बताऊंगा जिससे आपका मन कंट्रोल होना शुरू हो जाए, क्या क्या कहा मैंने भाई, मन पर अगर आपके कंट्रोल हो गया, मन पर अगर विजय प्राप्त मिल गई तो आप जो चाहो सो कर लोगे, याद रखिए मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जिसने मन को साध लिया, जिसने मन को एकाग्र कर लिया, जो चाहो सो बन जाओ। प्यारे बच्चों दिमाग कहीं बाहर का इन बच्चों का, ये आगे जो बैठे हैं, चिड़िया कभी देखा नहीं क्या उसको, मतलब आज तक चिड़िया देखने का कभी, ये नहीं कोई बात है, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कभी नहीं देखते, तो वो चिड़िया आ गई, वो कौवा आ गया, वो बुलबुला, अरे अरे कहाँ बैठे हो, अरे किस उम्र के किस पड़ाव पर पहुँच रहे हो बेटा, तुमसे बहुत बड़ी आशा है, घर परिवार समाज को सबसे है, और भी दिमाग कहाँ लगे अगर हमारा बच्चों की तरह, तो जवान कब होंगे, हम जवान कब होंगे, जवान कब दिखेंगे, हम जवान हो जाते हैं उम्र से लेकिन बुद्धि से बच्चा रहते हैं, और जवान हो ही नहीं पाते, बूढ़ा हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, क्या हो गया हमको, यही है विचार प्रदूषण, क्या है इसका नाम, विचार प्रदूषण, विचार इतने प्रदूषित हैं कि हम भूल गए हैं क्या मनुष्य कितना बड़ा कलाकार है, नहीं जानते इस बात को, कलाएं बदलता है, अपने रूप बदलता है नहीं बदलता, जिंदगी एक नाटक है, नाटक, और नाटक में हम एक ही पात्र किस तरह से एक एक पात्र अलग अलग करते हैं ना अपना अपना, लेकिन मनुष्य एक ऐसा होता है जो नाना रूप स्वयं रखता है अपने जीवन, बिना अनजाने में जैसे बच्चा थे कैसे थे, बड़े हो गए। एक कहानी मुझे याद आ गई प्यारे बच्चों, एक बार एक चित्रकार के मन में एक भाव पैदा हुआ, ये बच्चा बगल वाला नहीं सुन रहा, बगल वाला कतई दिमाग कहीं बाहर है उसका, तुम बेटा इधर आ गया तुम बहुत काम के हो, तुम बच्चे आ गया, अभी तुम बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था तुम्हारी सर से, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन तुम यार वहाँ बैठे चुपचाप और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते भी हो, डिस्टर्ब हो भी, इधर आ जाओ, आ गया, तुम बड़े काम के बच्चे, इधर आओ आ गया, हम देखें, हम सारे बच्चों को हम देखते हैं, हम ऐसे देखिए सर आप गए थे लाने हमको, यार कैसे लाएं, क्यों लाने गए थे, फालतू थे, मूर्ख हैं या नासमझ हैं, अवश्य कहीं ना कहीं आपको अवश्य कहीं ना कहीं आपसे उनको लगाव है, आपसे उनको स्नेह है, पहली बात तो कमर सीधी रहे सबकी कमर सीधी रहे, ढील ढाल ना बैठे, जोश में रहें और होश में रहें,
होश में नहीं रहते, जोश में रहते भी तो होश में नहीं रहते, जो होश में नहीं रहेंगे वो कतई सुन नहीं पाएंगे और लूज हो जाएंगे, वो लूज ना हो, थोड़ा सा जवानी 15 से 35, जवानी कब तक रहती है, 15 वर्ष से जवानी शुरू होती है, 35 तक रहती है, उसके बाद फिर बुढ़ापा शुरू, याद रखिए। विज्ञान कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ, अध्यात्म कहता है कि जब तक मनुष्य सीखता है, जब तक सीखने की प्रवृत्ति है तब तक जवान है, लेकिन विज्ञान कहता है 15 से 35, उसके बाद बुढ़ापा शुरू, 15 से शुरू होती जवानी। और जवानी एक ऐसी बसंत है, क्या है भाई, जवानी वसंत की तरह आती है, और अगर उसको बसंत का प्रयोग नहीं किया, आपने समझा नहीं जवानी के महत्व को, तो पतझड़ में बदल जाती है, बदल जाती है, फिर रोना आता है, केवल बिलबिलाना आता है, फिर हाय रे क्या बताएं, मैंने तो कुछ समझा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ क्या बताएं, सब कुछ था लेकिन हमने उसकी कीमत नहीं जानी। प्यारे बच्चों, तुम सब बहुत महान हो, याद रखो, आज अंबेडकर जी के इस जन्म दिवस पर आज हम सब संकल्पित हों, अंबेडकर भले ना बन पाए लेकिन कुछ दूर तो चले उनके साथ, कुछ दूर तो चले उनके साथ। नहीं नहीं, हम तो भाई मना लिए, फूल चढ़ा दिए, अंबेडकर जी खुश हो गए, जहां उनकी अंतरात्मा होगी स्वर्ग पहुंच चली। नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं जाएगी, पूरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची उनके प्रति। हम भी आज अंबेडकर को अपने अंदर जिंदा करें। अंबेडकर ने क्या किया, अपनी मेमोरी को, अपने मेमोरी को, अपनी याद शक्ति को मजबूत किया, और ऐसे कुल में पैदा हुए थे जिस समय, बच्चों अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, अब तो आदमी काफ़ी कुछ, इतना ज़्यादा वातावरण बढ़िया बन गया है, आदमी काफ़ी कुछ बदल चुका है, काफ़ी कुछ विकास हो गया है। चिमटे से उनके लिखे हुए जो कागजात लिखते थे संविधान, जो कागज़ लिखते थे संविधान के, वो चिमटे से उठाते थे लोग, जो उनके वर्कर थे, कागज उठाते थे हाथ से नहीं उठाते थे, चिमटे से उठाते थे, लेकिन कितने बुद्धिमान थे, कितने महान थे। यही ये स्वयं में हम तो कहते हैं कि इनको मन, अभी अभी आप कह रहे थे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो वास्तव में वह राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिता, जो राष्ट्र को जागृत करे वही ब्राह्मण, ठीक, देवता थे। और इन्होंने धर्म नहीं बदला, धर्म इतना इतनी गंदगी उसमें आ गई थी, सनातन कहीं ना कहीं विकृतियाँ तमाम आ गई थी, इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म। हम बौद्ध की बात तो करते हैं, बौद्ध की बात क्यों करते हैं, देखिए बौद्ध की मैं किताब भी लाया हूँ, ये देखिए जो पढ़ना चाहेंगे बच्चों, मैं लाने बच्चों के लिए लाया हूँ। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया, बौद्ध धर्म करुणा पर आधारित है, किस पर, करुणा दया पर आधारित है ना। और नंबर एक, नंबर दो, इन्होंने 3 सूत्र दिए हैं, पता है आप, कोई बता सकता है कौन कौन से सूत्र दिए हैं भगवान बुद्ध ने, ये इन्होंने उसको अपने जीवन में लागू किया, कौन से, किसी को नहीं पता है भगवान बुद्ध ने कौन से 3 सूत्र दिए, बुद्ध धर्म संघ तो एक संघ की स्थापना, सूत्र कौन से हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी, हाँ कहीं कहीं बच्चा प्रयास कर रहा, बहुत सुंदर, सम्यक आचरण, लेकिन हम उस पर कभी गौर किए, केवल याद कर लिए, याद किए केवल, जो दिया अम्बेडकर जी ने, भगवान बुद्ध ने, उसको हमने याद केवल कर लिए, पास कर लेने की कक्षाएँ प्रैक्टिकल करके देखें कितनी कीमती चीज़ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छ, कहा कि नहीं कहा, कहा कि नहीं कहा, अपनी बुद्धि को विकसित करो, क्या करो, बुद्धि हमारी उल जलूल, बुद्धि हमारी कितनी बचकानी है, मुझे वहाँ से यहाँ लाना पड़ा, क्या है ये, क्या है, बुद्धि हमारी बचकानी है, हम कुछ सुनना, मस्तिष्क में उल जलूल भरा हुआ है हमारे कचड़ा, वो जा नहीं रहा है, तो नई चीज़ कहाँ से आ? कहा उन्होंने धर्मम धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म को, मानवता जो है, इंसानियत को जीवन में लागू करो, इंसानियत का मजा लो, आनंद लो, इंसान बनो, पहले इंसान बनो, फिर क्या कहा, हे बुद्धिमानो, हे धर्मवानो, संघम शरणम गच्छामि, संगठित हो जाओ, नहीं तो फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्यारे बच्चों, तुम सब वही हो, कौन, समय के अंबेडकर ही हो, समय के भगवान बुद्ध हो, नहीं समझ पाए हो आज से समझ लो,
समझ लो और सच्ची श्रद्धांजलि आपकी होगी, मज़ा आ जाएगा प्यारे बच्चों। तुम लोग पूरी दुनिया को करोना का पाठ पढ़ो, करोना तो मर गई, हमारी संवेदना तो मर गई है, तभी तो यार हम मरे जा रहे हैं, दूसरे को लूट रहे हैं, दूसरे के प्रति गलत धारणाएं रखे हुए हैं। और धर्म के नाम पर जो धर्म जोड़ता था वो धर्म आज क्या हो रहा है, बांट रहा है, बांट नहीं रहा है, नष्ट कर रहा है, बिल्कुल मिटा देने पर तुला हुआ है प्यारे बच्चों। और दुनिया यदा यदा ही धर्मस ग्लानिर्भवत भारत है, ऐसा गीता भी कहती है और गीताकार ने भी कहा है, मानसकार ने भी कहा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीर। तो आप सब अवतरित किए गए हो, नहीं मानते हो? अरे आप सब समय के, चाहे राम मान लो अपने को, चाहे कृष्ण मान लो, चाहे भगवान बुद्ध मान लो, अंबेडकर जी मान लो, कुछ मान के चलो, मानना। जैसे a = 5, b = 3 क्वेश्चन हल हो जाएगा, हो जाएगा ना, मान लीजिए बस और चल पड़िए। प्यारे बच्चों मान लीजिए, कौन है आप लोग? वही राम और कृष्ण, वही बुद्ध, गांधी, विवेकानंद हैं, जो समय के हैं। लेकिन समय को पहचानना होगा समय के साथ। मैं देखिए, मैं साहित्य भी ले आया हूँ बच्चों के लिए, बढ़िया बढ़िया साहित्य लाया हूँ, सबको एक एक साहित्य दूंगा, नहीं अटकेगा तो अदल बदल के पढ़िएगा इसको। एक सही साहित्य भी लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आओ छोटा सा एक गीत गाएंगे, फिर अगली बात बताएंगे, ठीक रहेगा भाई? और मैं सुनूंगा कि इक्के को घोड़ा कहाँ ले जाएगा, स्वयं भी हाथ पैर तोड़ेगा और इक्के को भी नष्ट करेगा, और जो बैठा होगा इक्के पर वही हाल मन का होता है। आज से मन को, मन को, मन यही मन है लगाम, बुद्धि है सारथी, कौन है सारथी, साथी नहीं सारथी, हाँ सारथी सही। और ये, और ये इंद्रियां क्या है, घोड़े, तावड़ तोड़ भगते हैं, भगते रहते हैं जिधर देखे, और ज़्यादातर कहाँ, ज़्यादातर जहाँ कहीं भी जिधर चिपकना शुरू, बढ़िया आँख कहती है, बढ़िया बढ़िया चित्र दिखाओ, है ना, बढ़िया गाने सुनाओ या किसी की बुराई सुनाओ, खूब सुने कान लगा कर, सुनते कि नहीं सुनते, पता नहीं कैसे कैसे इंद्रियों का अपनी 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 पकड़। लेकिन जब मन पकड़ में होता है, बुद्धि के हाथ में, बुद्धि यानी सारथी, तो फिर तो यही मनुष्य, यही बच्चे हमारे IAS बीट करते हैं, टॉपर बनते हैं, ये कैसे हो जाते हैं? घर के लोग कहे, घर के लोग माँ कहती है थोड़ा बेटा खाना खा लो, तब थोड़ा सा पढ़ाई करो, तो कहते थोड़ी माँ बस बस आ रहा हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लूँ। अगर खेल में चले गए तो खेल तो खूब खेलते हैं, इतना खेलते हैं कि खिलौना ना बन जाए, हम क्या करते हैं, खेलते खेलते खिलौना बन जाते हैं, सही है। समय 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 एक बहती नदी है, बोलिए आज के आनंद की, आओ इसको जरा सुनिए इसको। जिंदगी जीना कला है, क्या है भाई, जिंदगी एक कला है, कला आर्ट जैसे आप बनाते हो वैसे ही आप अपने कैसे ढंग से आप अपने को सजा सकते हो। जिंदगी जीना कला है, जिंदगी जीना और जीवन साधना है, और जिंदगी जीना कला है, जिंदगी जीना और जीवन साधना है, और जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी तो जागना है, जिंदगी तो जागना है, जिंदगी जीना कला है, जिंदगी जीना कला है, और जीवन साधना है, और जीवन जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी तो जागना है, जिंदगी जीना।
बहती नदी है, समय एक बहती नदी है, हाथ में आती नहीं है, हाथ में समय एक हाथ में सामने ही भागती है, सामने ही भागती है, दूर भी जाती नहीं है, दूर भी जाती नहीं है। हर त्रिशातुर अंजलि को, हर त्रिशातुर अंजलि को तृप्त की संभावना है, जिंदगी जीना कला है और साधना है, और जीवन साधना है, जिंदगी जीना, जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी तो जागना है, जिंदगी तो जागना है, जिंदगी जीना कला है, जिंदगी जीना। और जीवन बहुत सुंदर, भार का अंबार ला दे, भार का अंबार ला दे, चल रहे सो भार वाही, चल रहे सो भार वाही, लक्ष्य गामी पग बढ़ाना, लक्ष्य गामी पग बढ़ाना, जानते अलमस्त राही, जानते अल कारवा रुकता न कोई, कारवा रुकता न कोई, राहियों को जानना है, राहियों को जानना है, जिंदगी जीना कला है और जीवन साधना है, जिंदगी जीना कला है और जीवन, जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी तो जागना है, जिंदगी जीना कला है, जिंदगी जीना कला है, जिंदगी जीना कला है। ठीक, याद रखिए प्यारे बच्चों, तुम सब बहुत महान हो। अरे लोग भूखे उठते थे और भूखे सोते भी थे, लेकिन इनमें से बच्चों से बताओ कोई कोई भूखा सोता है? सारी व्यवस्थाएं खूब हो गई हजाहज, लेकिन हो क्या गया हमको? भूल गए हम अपनी संस्कृति, गए अनैसे हार, भूल गए हम अपनी संस्कृति, गए अनैसे हार, हुए संकुचित हृदय हमारे, हुए संकुचित हृदय, बन बैठे अनुदार, बन बैठे अनुदार, लेकिन अब तो दिशा बदल कर, लेकिन अब तो दिशा बदल कर, बढ़ो लगन वालों बसंती चोला रंग डालो, बसंती चोला रंग डालो, बसंती चोला रंग डालो, युग की यही पुकार बसंती, युग की यही पुकार बसंती, चोला रंग डालो, बसंती चोला रंग डालो, बसंती त्याग तितिक्षा
का रंग है यह त्याग तितिक्षा का रंग है यह सुनो जगत वालो बसंती चोला रंग डालो बसंती चोला आप जो कुछ भी खाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से खाएं संकल्प लें अखाद्य न खाएं इसका त्याग करें सही रहा भाई गलत रहा अखाद्य जो शरीर को हमारे रोगी बनाए जो शरीर को कमजोर बनाए है ना हम उससे बचें उससे बचें आप त्याग दें उस जो है उस विकार को उस नासमझी को हम आज त्याग करें उस आदत का आज हम परित्याग करें नंबर एक नंबर दो और क्या त्याग करें आलस्य और प्रमाद ये इतने बड़े घातक इतने शत्रु घातक शत्रु हैं इनसे समीप वर्ती शत्रु और कोई है ही नहीं जिसने आलस्य को त्याग दिया प्यारे बच्चों कितना महान हो सकता है वो इनमें जो बच्चे त्यागे होंगे उनका भविष्य जो विचारधारा जो प्राण शक्ति है वो जो उनके अंदर जो हमारे अंदर है क्या कहा उन्होंने उन्होंने कहा आजाद मेरा लक्ष्य है आजाद मेरा लक्ष्य है और आजादी के प्रति तो इसका कहा महापुरुषों ने कहा वही है वीर जो निज ध्येय को हर मूल्य पर पाए लक्ष्य बना लिया कि हम पढ़ने में हम जब तक कोचिंग में आएंगे सेंटर में हम तब तक खूब मन लगा करके पढ़ेंगे और जैसा सर निर्देश करेंगे हम घर जाएंगे तो हम उसे भी उसी अनुसार तैयारी करेंगे फिर क्या होगा उनका जो सम्मान होगा आपके डिवाइन इंस्टीट्यूट का जो प्रचार प्रसार होगा वो अलग बात है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका आपका भविष्य उज्जवल होना ही है ना और घर से चले आए कुछ काम करना पड़े घर में उससे बच जाएंगे क्या घर से चले आएंगे तो कुछ काम जो घर वाला करना होता घर वाला वो काम से हम बच जाएंगे तो यहाँ हम काम चोरी नहीं से आते तभी तो पढ़ते नहीं बराबर ध्यान नहीं देते इतने बच्चे यहाँ आते हैं सेंटर में भाग लेते हैं अपनी अपनी जो है तैयारी करने के लिए बच्चे क्यों नहीं आ पाते बात क्या है फीस पूरी पूरी देते हैं देते ही नहीं देते और जो बच्चे फिसड्डी होते वो फीस भी नहीं देते याद रखिए फीस देने में और बिना पैसे की बिना फीस के पढ़ने वाले बच्चे पढ़ करके भी और कुछ आगे अगर पा भी गए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे याद रखिए क्योंकि उन्होंने चोरी किया है क्या किया है हरामखोरी जिसे कहते हैं हरामखोरी हराम के हराम यानी कुछ उसका मूल्य नहीं दिया और विद्या प्राप्त किए एक कौन तो था मुझे याद आ रहा वो घुट घुट के मरना पड़ा उसने उसको ये लगा कि भाई इसका हम प्रायश्चित कैसे करें ए भूसा में आग लगाओ उसमें मूड़ डालो भूसा में आग लगाओ उसमें मूड़ डालो तब सिर डालो तब जा करके तुम उससे ऋण से मुक्त होगे इसलिए प्यारे बच्चों ये तपस्वी हैं ये तपस्वी जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं तुमको कोचिंग सेंटर ये सरकारी कोई इनका है नहीं इनका कोई सरकारी है सरकारी कोई इनकी व्यवस्था है अनुदान तुम्हारा ही प्यार तुम्हारे ही द्वारा जो इनको मिलता है उसी से इनका घर परिवार चलता है स्वयं मुस्कुराते हैं और आपको भी और आपको आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ी संकल्पना लिए होते हैं सोचिए आप कितनी बड़ी बात है तो और आप जो लाते हो कितनी मेहनत से कितने श्रम से इकट्ठा करके लाते होगे लाते भी होगे और बराबर पढ़ो ना ध्यान ना दो तो क्या होगा भाई फिर तो हरामखोर मक्कार दगाबाज आलसी प्रमादी गए गुजरे इन्हीं में कहे जाओगे कि नहीं कहे जाओगे बताओ भाई ठीक है तो और आप सब थे देवता कौन थे भाई लेकिन बने क्या रह गए प्रकाश नहीं है अंधेरा किसे कहते हैं अंधेरा क्यों है प्रकाश का जो है विलोम क्या होता है अंधेरा नहीं होता अंधेरा जब कुछ अंधेरा बिल्कुल नहीं होता याद रखिए
हम नहीं कहते, विज्ञान कहता है। प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम अंधेरा है। जो कुछ है प्रकाश है, जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधेरा रहेगा ही रहेगा, है ना। सीधा कुछ नहीं मिला तो अंधेरा बोल दिया। सच्चाई ये है कि सूर्य का विलोम कुछ हो सकता है क्या? सूर्य का विलोम कोई है? उसी तरह से प्रकाश का विलोम भी कुछ नहीं है, याद रखिए। लेकिन हम जब तक अंधेरे में रहेंगे तब तक अंधेरा ही मानते रहेंगे, और उजाले में आए तो ख़त्म, याद रखिए। मनुष्य, हर मनुष्य को आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे फिर दिमाग के दौर चला गया, फिर दिमाग कहीं ना कहीं ऐसा तक काम लिए बच्चे बैठे हैं, सारा काम यही इतने समय करेंगे। वो जब सर पढ़ा रहे होंगे उनका दिमाग कहीं कहीं बाहर, क्योंकि चंचल चित्त चमन किया चौंधिस लागी लाई। चित्त है ना भाई, चित्त है ना भाई, मन है ना, तो भक्त रहेगा इस पर। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। इस पर नियंत्रण पाने के लिए अभी सबसे पहले मैंने गायत्री महामंत्र जो अभी बोले थे आपसे बताएं। एक बच्चा था, उसका नाम रखो, मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड हैं। एक बच्चा आईएएस है, मैं अभी इनको दिखा रहा था, डीएम है इस समय, डीएम अभी 32 साल उम्र का है, मेरे पास उसका पूरा विवरण है। 32 साल छोटा सा बच्चा था, हमको मिला, पिता हमारे पास ले आया, गुरु जी ये हमारा बच्चा गायत्री मंत्र बोल लेता है, यही कहा था केवल। और दो और कक्षा 8 या 9 का विद्यार्थी था, यस जैसे पढ़ रहा था, रायबेली में, सांगीपुर का रहने वाला है, नाम है उसका सचिन अग्रहरी। और वह कहीं सुना होगा यहाँ वहाँ, तब तो क्योंकि गायत्री मंत्र बताया कि पढ़ लेता है, ये गायत्री मंत्र इसको आता है और ये जप करता है। हम कहा अरे, और उसकी मेधा शक्ति बढ़ती चली गई, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती चली गई। उसने यहाँ SDS में पढ़ के फिर बीटेक किया, और फिर 23 साल की उम्र में उसने IAS बीट कर लिया। 23 साल की उम्र, इस समय आपके देश का सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा का वो नौयुवक है, उसका नाम है सचिन, वो DM है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कभी मिलवा भी दूंगा, क्यों अभी अभी तो चला गया, अभी आया था। तो उससे मैंने पूछा, अभी मैं रोज़ बात करता थी, आज मैंने गुरुजी के साथ, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पर देखिए प्रातः उगते सूर्य का ध्यान, क्या देखें आप करके देखिए आप, और साथ बैठिए गुरुजी के। एक बच्चा था, उसका नाम था खुशहाल चंद, वो पढ़ता था, पढ़ने मन नहीं लगता था उसका, फिर मास्टर ने उसको निकाल दिया, अरे भाई जाओ फालतू खमखा समय न बर्बाद करो, घर में कुछ काम करो, जो तुम्हारा मन ही नहीं लगता तुम यहाँ बैठे क्यों, और बच्चों को डिस्टर्ब करोगे तुम, हटा दिया। वो बच्चा चला गया घर, परेशान था, फिर जानवरों ने छोड़ दिया घर वालों ने, धूप लग रही थी, और सोच रहा था काश हमारा दिमाग बढ़िया होता तो हम भी पढ़ते जाके बच्चों के बीच में। तब तक मैं जानवर चले गए किसी खेत में, तो किसान ने देख लिया तो क्या किया, खुशहाल चंद की पिटाई कर दिया, आके 2-4 डंडा तो रसीद किया ही, और गया घर भी बताया कि लड़का आपका हमारा खेत चरा लिया। सब पिता ने क्या किया, फिर पिता ने भी 2-4 डंडे रसीद किए। क्या हालत हुई खुशहाल चंद की, क्या हालत हुई, परेशान हो गए। संयोग था कि उस गांव में संत आते थे तो हर घर से एक दिन का भोजन जाता था, हर घर एक नियम था कि गांव से आज भोजन आपके घर का, कल भोजन आपके घर का, कल आपके घर का भोजन संत के पास, क्योंकि संत महान होते हैं, विचार शक्ति ही उनकी सबको जिंदा करती है, जानदार बनाती है। तो उस दिन खुशहाल चंद के घर का ही भोजन जाना था। खुशहाल चंद गए भोजन लेकर के घर, माँ ने कहा जाओ लेकर के आओ, रो रहे थे। संत जी ने पूछा कि बेटा तुम बेटा जो है रो क्यों रहे हो, तो उन्हें अपनी आप बीती सुना दिया। बोले तुमको मैं आज एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ, और इस मंत्र को तुमने अगर ले लिया, ये बगल वाला बच्चा है ना, अभी कुछ नहीं बता पाएगा अगर हम पूछेंगे तो, हाँ एकदम नहीं बता पाएगा, नहीं सुन रहा, मैं देख रहा हूँ, हम पूछते हैं अगर सुन रहा तो बता दे, नहीं बता पाएगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ, वो तो केवल हमको देख लेता, कहीं हमको देखते रहे, देख तो नहीं रहे हैं, कहीं हमको देख तो नहीं रहे हैं, बस सिर्फ इसलिए। लड़का बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये अपनी कीमत नहीं समझ रहा है, समय कीमत नहीं समझ रहा है, पक्का एकदम, क्योंकि दिमाग जो है ना स्थिर है ही नहीं, स्थिर है ही नहीं। अच्छा इनका दोष नहीं है, बता रहे हैं इस समय
स्थिरता जैसे चली जैसी गई है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कृपा उनके ऊपर है, वे इस समय बेटियां इसीलिए आ रही हैं। देखिए जाकर के माला श्रीवास्तव आपकी डीएम है, सीडीओ अधिकारी वो एक महिला है, और सीडीओ उसका नाम क्या, और सिटी मजिस्ट्रेट महिला हैं। अरे बेटियां सब कितना, और घर का काम भी करके आई हैं ये, याद रखिए ये घर के। और आप तो घर में, अरे पढ़ने जाना है, अरे कोचिंग में जाना है, हमको काम बता दिए। आप तो बहानेबाजी भी किए होंगे, बेटियां बहाना कम की हुई हैं, होते बहानेबाजी भी हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जिम्मेदार ज़्यादा हैं, घर के सारे काम समय से करके तब ये आती हैं। अरे बेटियां कितनी महान हैं, कितनी बेटियां महान हैं। इसीलिए देखो बेटियां आ रही ना आगे आपके। मैं तो एक दिन गया, संजोग था कि मेरा कार्यक्रम था अपना, डॉक्टर चिन्मय पंडे आए थे जो इस समय विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, वे आए थे, तो मैं उनके पास गया, सारे अधिकारियों के पास। केवल SP एडिशनल SP ये थे जेंट्स, और सब लेडीज, सब लेडीज। कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात। गुरुजी वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने कहा था 21वीं सदी नारी सदी, घोषणा किया था आज से 80 साल पहले। कब कहा था? 80 वर्ष पहले, यानी सन 40 में ये बात उन्होंने कही थी। क्या कही थी? 21वीं सदी नारी सदी, नारियां अब पीछे नहीं रहेंगी, नारी अब घूंघट में नहीं रहेगी, अब नारी के साथ दहेज नहीं रहेगा, क्या होगा? नारी की गरिमा बढ़कर अब नर से ऊंची हो जाएगी, होगी वह भार स्वरूप नहीं, सब कोशन मार्ग दिखाएगी, स्वीकार करेगा जो दहेज वह महाभ्रष्ट कहलाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्द। इसको याद करो, इसको याद करो, सारे बच्चे भी याद करें, बच्चे तो बहुत अच्छे हमारे हैं। अरे बेटियों की संख्या कम हो गई, इनकी सदियाँ नहीं होगी। इस समय लोग लड़के हमारे पास कितने, जी हमारे लड़का जी वो चौहान ठाकुर हैं, चौहान ठाकुर हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही बेटे की। तीन घर के सुपात ब्राह्मण, शादी नहीं हो रही बेटे की। अभी अभी तो एक पटेल आ गया, कहाँ से, यही जगतपुर आ रहा था, मुझे मिला, बोला कि जी हमारी शादी नहीं हो रही, तो यहाँ हमारा रिश्ता है, थोड़ा सा राजस्थान का है, तो शायद कहीं शादी हो जाए। हमारे यहाँ तो एक एक बेटी 5-5 लाख की मिल रही है। क्या मिल रही है, कितने की मिल रही? 5 लाख घर वालों को दीजिए तो बेटी पाइए, देना नहीं बेटी रकम दे। अरे भैया पाला पोसा और दहेजा भी दे, पढ़ाए लिखाए, कितनी बड़ी इनके साथ श्रम करे, कितना उल्टा था, अब सही जमाना आ रहा है। बोलिए बोलिए वेद माता गायत्री की, आ रहा है सही जमाना कि नहीं, याद रखिए। अगर क्वालिटी डेवलप नहीं करोगे तो बेटियां अब मूर्ख को, नासमझ को, मत कमाओ को नहीं, उसके साथ शादी नहीं करेंगी, नशाखोर के साथ शादी करेगी कोई बेटी, अपना भविष्य उजाड़ेगी क्या? नहीं करे। अभी सीधी शादी बेटी, अभी कुछ समय चल रहा, अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। चलिए बोलिए हमारे साथ, पैसे के बदले सदाचार, पैसे के घर घर में पूजा जाएगा, घर घर में पूजा, वह युग जल्दी ही, वह युग। तुम बेटा हमारे पास आ जाओ, ये बगल वाला बेटा तुम हमारे पास आओ, तुम कुछ चिंतित है, कोई परेशानी हमको लगता है, हमको लगता है कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत है उसको। हाँ तुम, हाँ बगल वाला आ जा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम अच्छे बच्चे हो यार, हमें हमें लग, हाँ आगे बैठो, नहीं कहीं मुंह में उंगली डाल लेता है। बदले सदाचार पैसे के, घर घर में पूजा जाएगा, वह युग जल्दी ही, वह युग जल्दी ही, पैसे के बदले सदाचार, पैसे के बदले घर घर में पूजा जाएगा, वह युग जल्दी ही, वह युग जल्दी ही। शुद्ध उपार्जन का समझ रहे हो ना इसका अर्थ? शुद्ध उपार्जन मतलब क्या होता है? मेहनत की कमाई, श्रम की कमाई, चोरी की नहीं, हरामखोरी की नहीं, मुफ्तखोरी की नहीं। शुद्ध उपार्जन का पलड़ा,
शुद्ध उपार्जन का बलड़ा काले धन से भारी होगा। काले धन से काला धन कौन है भाई? काला धन कौन है? हाँ नंबर दुई है ना, जो घोष का हो, मिलावट का हो, बेईमानी का हो, है ना, लूट का हो, ये सब नंबर धन कौन सा धन है? हाँ शुद्ध उपार्जन का बलड़ा, शुद्ध उपार्जन का बलड़ा काले धन से भारी होगा। काले धन से भारी सम्मानित होगा श्रमजीवी, सम्मानित होगा श्रमजीवी, हर संचय उपकारी होगा, हर संचय उपकारी होगा। हर जम मानो जान गवा कर भी, हर मानो जान गवा कर भी अपना ईमान बचाएगा, अपना ईमान बचाएगा। वह युग जल्दी ही, वह युग जल्दी ही आएगा। आदर्श सभी का होगा जब, आदर्श सभी का सारा जीवन ऊंचा चिंतन, सारा जीवन ऊंचा चिंतन। ओजस्वी होगा तरुण रक्त, ओजस्वी होगा तरुण रक्त, तज फैशन का दीवानापन, तज फैशन का दी पशु की श्रेणी में होगा वह, पशु की श्रेणी में जो इंद्रिय सुख अपनाएगा, जो इंद्रिय सुख आएगा वह युग आएगा, वह युग जल्दी है। पैसे के बदले सदाचार, घर घर में पूजा जाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही। धर्म और विज्ञान यहाँ, धर्म और विज्ञान यहाँ मिलकर पूरक हो जाएंगे, मिलकर पूरक हो कर्तव्य परायण होंगे तब, कर्तव्य परायण होंगे तब सच्चे आस्तिक कहलाएंगे, सच्चे आस्तिक कह तब स्वर्ग स्वयं विह्वल होकर, तब स्वर्ग स्वयं विह्वल होकर इस धरती की जय गाएगा, इस धरती की जय गाएगा। वह युग जल्दी ही पैसे के बदले सदाचार, पैसे के बदले घर घर में पूजा जाएगा, वह युग जल्दी ही। सज्जनता की ओर समय की धारा मोड़ी जाएगी, की धारा मोड़ी जाएगी। असफल होकर भी जीवन में, असफल होकर भी जीवन में जब नीत न छोड़ी जाएगी, जब नीत न छोड़ी जाएगी। विश्ववृक्ष असुरता का दानो, विश्ववृक्ष असुरता का दानो, पड़ा पड़ा मुस्काएगा, पड़ा पड़ा मुरझाएगा। अभी तो मुस्कुरा रहा है वो, अभी तो दानों मुस्कुरा रहा है, देव डर रहे हैं, देवत तो डर रहा है, खुश हो रही धनुजता, है ना। इस समय जितने दयंत्र टाइप के लोग हैं खूब अट्टहास करते हैं, धीरे धीरे अब समान उनका हो रहा है, क्योंकि समय बदलने जा रहा है, धरती पर स्वर्ग आने की तैयारी कर बैठा है, सूर्य निकल चुका है, प्रकाश फैलाना बाकी है, सभ्यता का सूर्य निकल चुका है, प्रकाश फैलाना कौन फैलाएगा? पक्का एकदम सही, आप लोग किरणें हो,
जगमगा पाए कि नहीं। आप लोग वही किरणें हो जो जो कि एक नया वातावरण बना सको, बन के रहेगा। बोले आज के आनंद की वो लाइन फिर से सुन लीजिए आप। नारी की गरिमा बढ़ कर अब, नारी की गरिमा बढ़ कर अब, नर से ऊंची हो जाएगी, नर से ऊंची हो होगी वह भार स्वरूप नहीं, होगी वह भार स्वरूप नहीं, सबको शन मार्ग दिखाएगी, सबको शन मार्ग दिखाएगी। स्वीकार करेगा जो दहेज, स्वीकार करेगा दहेज वह महाभ्रष्ट कहलाएगा, वह महाभ्रष्ट कहलाएगा, वह युग आएगा, वह युग जल्दी ही, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी। दो दो अपने यहाँ धाराएं चल रही हैं, कौन कौन, एक राजतंत्र एक धर्मतंत्र। राजतंत्र कहता है बांटो और राज्य करो, क्या कहता है, शासन करो, बांटो, ये अंग्रेजों की नीति थी, बांटो राज्य करो, ये फला जात के हैं, फला जात के हैं, ये ऊंच हैं, ये फला हैं, फला हैं। धर्मनीति कहती है, धर्मनीति क्या कहती है, धर्म और धर्मतंत्र कमजोर है, राजतंत्र हावी है। जिस दिन धर्मतंत्र जगेगा, जगने जा रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि हमारे बच्चे ये ऊंच नीच नहीं मानेंगे। क्यों क्यों नहीं मानेंगे, कोई लड़े किसी से इसकी नहीं जरूरत, सब मनुष्य जग के भगवान ही की मूरत। कोई लड़े किसी से इसकी नहीं, बोलिए बोलिए सीख लीजिए, ये सूत्र हैं ये उज्जवल भविष्य के। कोई लड़े किसी से इसकी नहीं जरूरत, सब मनुष्य जग के भगवान ही की मूरत। सबसे हृदय मिलाना, सबको गले लगाना, सदियों के बाद फिर से आया नया जमाना, आया नया। छलिया कपट किसी से कोई नहीं करेगा, विश्वास का उजाला हर दिल में अब भरेगा, दुर्भाव को हटाकर सद्भाव है बढ़ाना, सदियों के बाद फिर से आया नया जमाना, आया नया जमाना। दुनिया नई बसाएं यह जग हुआ पुराना, दुनिया नई बसाएं यह जग हुआ पुराना, सदियों के बाद फिर से आया नया जमाना, आया नया। अज्ञान का अंधेरा अपना समेट डेरा, अज्ञान का अंधेरा अपना समेट डेरा, अब दूर जा रहा है लेने कहीं बसेरा, अब दूर जा रहा है लेने कहीं। सब रूढ़ियाँ मिटाकर अविवेक को भगाना, सब रूढ़ियाँ मिटाकर अविवेक को भगाना, सदियों के बाद फिर से आया न। एक और हमारे यहाँ परंपरा है, कुरीति है, जैसे शादी हुई कहे हमारे यहाँ मुर्गा कटेगा, कौन क्या कटेगा, सुअर बकरा जाने क्या क्या काट देते हैं ना भाई, देवी देवता के नाम पर। घनन घनन घंटा बाजे मून दें ढकना, नाम लगावे देव का उखाए लें। कितनी गलत बात है, भगवान बुद्ध का अवतार इसी को लेकर के हुआ था, करते थे यज्ञ और जो हत्या करते थे, तो उन्होंने कहा ना धर्म के साथ क्यों जोड़ दिया इसको, ऐसे पापियों खाना था तो खाओ, धर्म से क्यों जोड़ दिया। धर्म से जोड़ने पर ज़्यादातर लोग शराब और देखिए और एक परंपरा, घर में जैसे कोई मर गया क्या करते हैं, तो चाहे जीत जो जब वो जिंदा था तो रोटी चाहे ना आटा पा रहे हो, लेकिन मरने के मामले तक भोज जरूरी है, जरूरी है, करते ही नहीं करते। क्या मृतक भोज मरने पर काम आ सकेगा, क्या भोज कर्म फल से उसको बचा सकेगा, परिवार रो रहा हो तब जाए कैसे खाया, घोटा गला जिन्होंने उनको गले लगाया। तीसरी और एक कुरीति हमारे यहाँ है, क्या शादी हमें खर्ची और बेईमान बनाती है, 100 दिन की खुशी 1 दिन की खुशी में हम बर्बाद कर देते हैं, सही है,
क्यों कर फजूल खर्ची करते हैं शादियों में, क्यों मोल भाव वर के बढ़ते हैं शादियों में, क्यों कर फजूल खर्ची करते हैं शादियों में, क्यों मोल भाव वर के बढ़ते हैं शादियों में। पुरुषार्थ के धनी को क्यों मांगना सिखाया, घोटा गला जिन्होंने उनको गले लगाया, है ना। ये सब परंपराएं जा रही हैं बहुत तेजी से, और गीतों में देवियां लोग गाती हैं, गीतों में गीत गा गा करके दहेज मांगा जाता है। मांगते कौन मांगता है, नारी मांगती है, नारी कब समझेगी। हमरे बनना है बीए पास, तिलक कहे माँ थोड़ी चढ़ी हमरे बन, और बीए अगर अगर बननी अगर एमए पास है तो क्यों मांगी गई, इसको नहीं गाते। क्या गाएंगे, हमरे बनना, गाती नहीं गाती बेटी, हमरे बन नहीं, तुम नहीं सुनो, अरे गाते हैं हम, तुम्हारी है नहीं गा, नहीं सुना होगा तुमने। हमरे बनना है बीए पास, तिलक कहे थोड़ी चढ़ी, अब बताओ। तो हम गुरुदेव ने कहा कि नहीं, अब शादी तिलक बारात हो ही ना, तिलक बारात हो ही ना। अब एक छोटा भाई हमारा डॉक्टर है, अजय को मैंने बता के रखा है, क्यों बेटा 22 अप्रैल को शक्तिपीठ में शादी होगी और घर में रिसेप्शन, खत्म काम खत्म, एक पैसा दहेज दादे कोई बात ही नहीं। और डॉक्टर है छोटा भाई अपना, डॉक्टर है, डॉक्टर इस समय आया हुआ है, सोचिए। अभी दूसरा एक डॉक्टर हो ना भांजा हमारा, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क, कोई नहीं। अरे ये बेटियाँ, ए पुत्र जन्म लेते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या एक समस्या इस धरती पर बन जाती, कैसे हाथ करेंगे पीले यदि अभाव घर में, धन का घर वर दोनों ठीक चाहिए प्रश्न समूचे जीवन का। घर भी चाहिए बर, अच्छा भर भी चाहिए थोड़ा सा, जो साथ दे सके, जो भरण पोषण कर सके। तो शिक्षित और सुशील सुपुत्री रूप गुणों की उजियारी, किंतु पिता के पास नहीं धन इसीलिए बैठी कुआरी। लड़का वाला लेन देन में इतनी अकड़ दिखाता है, नीलामी जैसी बोली वो नेगों की लगवाता है। नारी का क्या मूल्य न कोई, क्या वापस उसे दीन कहो, नर की तुलना में क्यों माना इनको इतना हीन कहो। यह पुनीत शंभ परेशान होकर बहुतों ने छोड़ दिया संसार है, दानों को मार भगाओ यह समाज का भार है। क्या है ये, इसने बार, इसने तमाम बेटियां मर गईं। क्या अगर हम रहेंगे तो बाप पिता हमारे कंगाल हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, क्या हो गया है। नारी एक बूढ़ी बकरी बेचो तो कुछ पैसा दे के जाएगी, अब बेटी कितनी सुंदर हो, शादी करने को तैयार नहीं हम, लेकिन समय बदल रहा। मैंने बताया कि 5 लाख रुपए, भाई भी परसों की बात है, मैं आ रहा था तो यहीं कहीं आ रहा था, बोले कि हमारे यहाँ तो 5 लाख रुपए बेटी, जो बेटी करता है वो 5 लाख रुपए लेता है तब शादी करता है। और उल्टा यहाँ भी हो गया है, दलाल लोग यहाँ भी घूम रहे हैं। तो उसके एक भाई की शादी हुई, बहन उसकी शादी आई, 1.5 लाख रुपए लेकर के चली गई, पूछती नहीं आज तक, शादी कर दिया, शादी कर, बोले हमारे भाई के भाई भाभी है वो है, कभी नहीं है नहर और कभी जाती, उसने 1.5 लाख रुपए लिया था। यहाँ भी यही चल रहा, यहाँ भी चुपके से आ रहे हैं लोग, क्योंकि बेटियों की अब कमी हो गई, क्यों, दहेज ने एबॉर्शन कराते रहे, बेटे पैदा हो जाएं बेटियाँ जाएं, अब बेटियाँ नहीं होंगी दुनिया होगी। अरे बेटियाँ कितनी महान हैं, बेटियाँ कितनी महान हैं, बेटियाँ कितनी, ये हैं सृजनहार, ये हैं ब्रह्मा, कौन है भाई, ब्रह्मा सजेता। और नारी, अगर नारी का सम्मान करना अगर हम भूल गए, ये तो इसीलिए ऋषियों ने कहा यत् नास्ति पूजन्ते न मन्ते तत् देवता। हाँ मैं गायत्री की बात बता रहा था, क्या बताया था भाई, कहाँ तक बताए थे हम गायत्री की बात, तो स्वामी जी ने उस बच्चे को साल चंद्र को गायत्री मंत्र दिया, बोले मंत्र दे रहा हूँ बेटा, और उसके बाद उस बच्चे ने जपना शुरू कर दिया,
उसने फिर से प्रार्थना किया अपने पिता से, हमको पढ़ाओ एक बार, विद्यालय फिर भेजो। विद्यालय में उसका नाम पिताजी गए फिर से लिखवाए, फिर वो बच्चा क्लास में सबसे टॉप आया। तो पूछा मास्टर ने, क्या हुआ भाई खुशहाल चंद, कैसे तुम इतना पढ़ने में तुम्हारा मन लगने लगा? बोले एक संत जी आए थे, हमको एक मंत्र दिया था, एक मंत्र दिया था। क्या कहा भाई, क्या दिया था मंत्र? एक मंत्र दिया था, उसको मैं रोज 5 मिनट रिपीटेशन करता हूँ, यानी अनवरत क्रम से मैं उसको जपता हूँ, और बस मेरी बुद्धि जग गई, मेरी संवेदना भी जग गई, स्वामी जी तो धन्य हो गए। प्यारे बच्चों करके देखो, किसको किसको आता है गायत्री मंत्र, किसको किसको आता है, जरा सुनाओ, आता किसी को आता है? तुम्हारा क्या नाम बेटा, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा या बीच वाला? हाँ नंबर 2 वाला, हाँ आपका, हाँ खड़े हो जाओ। क्या नाम बताया बेटा, पढ़े कितना हो? ये तुम्हारा फाइनल है, बैठ जाओ। तो तुमको गायत्री मंत्र नहीं आता है यार, मोबाइल में देखो, खोलो ना, तो मोबाइल में भी खूब चलता रहता है ना भाई, तो जरा कौन सुना पाएगा, सुनाओ। हाँ सुनाओ बेटी, सुनाओ सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, सबको सिखा देना एकदम गायत्री मंत्र, सुने यहाँ पढ़ने में भी मन लगेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी और भविष्य उज्जवल होके रहेगा। करके देखो, कहा ना याद सीखो, जो मन अभी भाग रहा है ना, मन नहीं लग रहा, क्योंकि मन तो भाई, मन तो अपना दर छोड़ चुका है, वो तो इधर उधर भगता ही, मन तो, लेकिन मन को साधा जाता है। हाँ बोलो बिटिया बोलो। कहाँ सीखा है इसको? आप हमको मिले थे दीपिया के। कहाँ? वहाँ पहाड़ गढ़ आस्था कॉन्वेंट स्कूल। तो हमने वहाँ सिखाया था? हाँ। हमने सिखाया था, सिखाया था मैंने। एक बच्चा आया है वो अजय पासी, हमने कभी छोटा बच्चा था वो, ये लक्ष्मी बाई विद्यालय में मैंने पढ़ाया था, और वो इस समय धर्माचार्य है वहाँ एयर और फोर्स में। तो बोला जब गुरुजी मैं गए, जब आए तो मैं, बैठ जाओ, ये धर्माचार्य हो गया वो। तो बोला गुरुजी हमको आपकी याद आती है, जब आज नहीं, आज हमको लगता है 20 साल पहले। तो एक दिन वो उसने हमको एक अर्जुन पासी एक कैशियर हो गया, तो पता नहीं कहाँ से हमारे पास पहुँच गया। तो उसने बताया मेरे बारे में, अरे गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत सम्मान बहुत प्यार करते हैं, वो तो ऊंच नीच जात पात कुछ मानते ही नहीं हैं। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, कहीं वो तो नहीं है कहीं जो गायत्री मंत्र हमको सिखाए थे, तो हमको ले गया, अब वो उसको ले आया हमारे घर। अरे बोले गुरु जी आपने तो हमें धन्य कर दिया, आज मैं किस पद पर हूँ। तो बच्चों मैंने तमाम बच्चों को देखा, मैंने तो सिखा सिखा करके, जिन बच्चों ने ध्यान दिया आगे बढ़ गए, और जिनको अभी नरक गोड़ना है कहाँ सुनेंगे ध्यान देंगे वो कहाँ पर, जिनको अभी अभी जिनको मिट्टी खाना है, कुछ कीचड़ा कचड़ा खाना है, जिनको अभी अंधेरे में रहना है, दरिद्र बनकर रहना है, मूंगफली बेचना सड़क पर, जिनको सड़क पर मूंगफली बेचना, कहाँ हमारी बात सुनेंगे वो, जिन्हें कुछ करना है वो सुन के रहेंगे। मैं देख रहा हूँ बच्चों को, एक बच्चा लाया हूँ घर से, उसका कक्षा सात का विद्यार्थी था मैं ले आया अपने पास, अब तो गए हो वहाँ पर चेतना केंद्र, ये बच्चों को पढ़ाता भी रहा हूँ लाला करके, उनके पैसे की व्यवस्था, उनको फीस की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करता हूँ मैं। ये समाज है विराट भगवान, उसे मांग लेता हूँ, साफ काम हजार रहता है। अब बच्चे पढ़ पढ़ कर, इस समय IIT में है वो, कहाँ है, नवोदय टॉप किया उसने, पहुँच गया IIT, तमाम बच्चे हमारे पढ़ पढ़ कर वहाँ से निकल गए, और सब गायत्री का अनन्य साधक है। इसलिए बेटा इसको ध्यान देना, आज मैं ऐसे नहीं आया हूँ, ये भगवान की बड़ी कृपा हुई है, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, किसके ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे ऊपर, क्योंकि ये हमारी पूजा है। कौन सी पूजा है हमारी? घर घर सद विचार फैलाए, जन जन को सत्कर्म सिखाए, हमारी पूजा है। वो तो मौका दिया हमको अजय जी ने हमारे, कि आपको आना जी, हाँ हम आएंगे, क्योंकि इसको तो, ये हमारी पूजा है, हमें इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए, अगर आपसे चाहिए कुछ, तो आज से एक दोस्त अपना बेटा छोड़ देना है। और मैं संकल्प, देखिए मैं कलावा भी लाया, किताब भी लाया हूँ, और क्या लाया हूँ, कलावा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आज मैं कलावा बांधूंगा, संकल्प लिया है मैंने कि आज से ये दोष मैं छोड़ रहा हूँ, देवता हूँ तो अब देवता बन के रहूँगा, अब बनते ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़े, बुराई करिए आप तो 10 बुराइयाँ पीछे लग जाती हैं, अच्छाई तरफ बढ़िए। कौन सा बच्चा है आज से छोड़ रहा है आलस्य? आइए आइए हमारे पास आइए, मैं कलावा बांधूँ, आओ जल्दी आओ मेरे पास, जो जो बच्चे, जो बेटियाँ छोड़ रही हूँ आज से, अपनी एक बुराई, एक दोष, झूठ बोलती हूँ, ध्यान दें, झूठ बोलती हूँ तो आज से कम कर दें। नहीं बिल्कुल तो नहीं, देखिए बेटा झूठ शब्द नहीं होता, झूठ शब्द नहीं होता,
झूठ शब्द नहीं होता, भाव हमारे झूठ कहते हैं। आओ इधर इधर आओ इधर आओ। हाँ बिटिया, हाँ दाहिना हाथ, हाँ और चोटी पर रखे। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। आकाश जी, आकाश बनना है आज से। कौन सा दोस्त छोड़ रहे हो आज से? सारे दोस्त। नहीं सारे दोस्त नहीं छोड़ पाओगे, एक दोस्त कौन? आलस है पक्का। ओम ब्रतेन दीक्षा मापनोती दीक्षा, मुट्ठी बांधिए। ओम ब्रतेन दीक्षा मापनोती दीक्षा मापनो दक्षणाम दक्षणाम श्रद्धा मापनोती श्रद्धा सत्य मापते। ठीक शाबाश। और सूर्य का ध्यान अपने मोबाइल पर प्रतिदिन देखो, उन्हीं के साथ सूर्य का ध्यान करो। और दोबारा मैं आऊँगा ना, चेहरा चमकता हुआ मिलेगा। और वीर को टच मत करना, याद रखना, स्वास्थ्य फिट रहेगा, एकदम चमकते हुए मिलोगे। आओ जल्दी आओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मोहित सिंह। यार तुम चंदन में लगाए रहते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चंदन से महत्वपुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आप दाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। चंदन के महत्व को बेटा समझना, मुँह से गलत शब्द मत बोलना, अखाद्य मत खाना। चंदन तुम्हारे तुम्हें चंदन तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। ठीक, क्या छोड़ रहे हो आज से? क्या क्या छोड़ रहे हो आज से? वीर तो नहीं बर्बाद कर रहे हो? पक्का बताना, मुझे दिख रहा है कुछ चेहरा तुम्हारा, हमें कुछ दिख रहा है, कुछ गलतियां करते हो, याद रखो संरक्षित करना, आज नहीं करना, एकदम नीट क्लीन बनना है, देवता बन के जीना है। हे देवता धरती पर, देवता कहीं बाहर से नहीं आएंगे, देवता स्वर्ग की सृष्टि न उतरेगी किसी के भीख मांगने से, न अपनी धरती संवरेगी कहीं से, देव न आएंगे न स्वर्ग की सृष्टि न उतरेगी किसी से भीख मांगने पर, न अपनी दुनिया संवरेगी। समय है इसके चिंतन का, समय है युग परिवर्तन का। आओ जल्दी आओ बिटिया, क्या छोड़ोगी, क्या छोड़ोगी? पक्का दाहिना दाहिना दाहिना। शादी हो जाए तब बाएं, शादी के पहले जो जो जिन जिनकी शादी होती है यानी सुहाग होता है जिनका, वो बाएं बांधते। ठीक है, ओम ब्रतेन दीक्षा और गायत्री मंत्र जप करोगी प्रतिदिन 5 मिनट करके देखो, तुम्हें जो भी पढ़ाएंगे सर ना। हाँ अरे वाह, किसका ध्यान कर? गति देवता कौन है? सूर्य, उगता हुआ सूर्य, सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री में विलय करो, सूर्य में विलय करो अपनी चेतना को। हाँ हाँ वो हटा देना उसको। शाबाश, क्या नाम है आपका? अरे वाह, जाओ आओ जल्दी जल्दी आओ बिटिया, जल्दी आओ भाई, बहुत अच्छा। मैं देखो मैं पूरी योजना के साथ आया, तो किताब भी लाया हूँ, साहित्य भी लाया हूँ मैं। मुट्ठी बांधिए। क्या नाम है आपका? रेशमा। क्या छोड़ोगी आज? हाँ जितनी बुराइयाँ सब नहीं छोड़ पाओगी, एक दो छोड़ ले जाओ, बड़ी भारी बहादुरी होगी अगर आलस छोड़ गई ना। अरे बिटिया तो आज से तुम्हारा कल्प होना शुरू। ठीक है, घर कहाँ तुम्हारा है? जमनी का पुरवा, वहाँ से आती हो यहाँ पढ़ने? अरे वाह भाई। और सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र, अरे वाह, उसमें यूट्यूब पर उगते हुए सूर्य का ध्यान। ठीक बेटिया, नमस्ते। हाँ आओ, और कौन बच? जल्दी आओ, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। हाँ क्या बोल रहे बेटिया? ये बताओ हमारा आना कैसा लगा बच्चों को? पक्का? लेकिन हमको कब अच्छा लगेगा? हमको जब बच्चे